तो सभी छात्रों से निवेदन है कि विद्यालय की तरफ से YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना महामारी के अंतर्गत सभी विद्यालय 3 मई तक बंद हैं, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए सभी विद्यालय के सभी विषयों की जानकारी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए सभी छात्र इस चैनल को YouTube को सब्सक्राइब कर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो जीवों में जन्म हम सभी जानते हैं, शरीर जो होता है वो नश्वर होता है, मोटल होता है, अर्थात जो जन्म लेता है, जन्म के निश्चित जीवन काल के पश्चात उसे मरना होता है, और मरने से पहले अपनी जैसे संतानों को उत्पन्न करने की जीवों में क्षमता होती है। ये जीवों का प्राकृतिक गुण होता है, और इस प्रक्रिया को मरने से पहले अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है, इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जनन जो है जीव को पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होता है। इसके कारण जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर पहुंचता रहता है, जिसके कारण जीव में माता पिता से कुछ न कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो जनन था। अब जनन का उद्देश्य क्या है? इसके लिए पहली बात, जनसंख्या में वृद्धि। इसमें जो जीव की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। दूसरा उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर इसका अस्तित्व बना रहता है। पृथ्वी पर सभी जीवों की विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न आयु वर्ग के जीव जो है बने रहते हैं। इसके तीसरा कारण है, उद्देश्य है कि जीव जो है उसमें अपने गुणों में कुछ विभिन्नताएं अपने पूर्वजों से इनमें आती रहती हैं, और ये सब इनका उद्देश्य था। तीन जो उद्देश्य बताए थे, इसके अलावा इसमें होता क्या, घटनाएं कौन कौन सी घटती हैं, प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाओं में सबसे पहले जनन के अंतर्गत आरएनए, प्रोटीन, अन्य ऑर्गेनिक पदार्थ, अन्य जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका निर्माण होता रहता है। दूसरी बात, जो जर्म प्लाज्म है उसमें वृद्धि होती रहती है। तो ये इसके प्रमुख कहना चाहिए कारण है। अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार, तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। फर्स्ट सेक्सुअल, सेकेंड असेक्सुअल।